हेलो हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। आज हम देखने की कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा है आप लोगों की लव लाइफ में करंटली। ठीक है, चलिए, ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। आप सबको पता ही होता है कि ये टाइम की लिमिट नहीं होती। जब आपके सामने पॉपअप होएगी तो आपके लिए कोई ना कोई मैसेज हो सकता है। ठीक है, आप अपने इंटरेस्ट से इसको देखें, अपने बिलीव से देखें, तो आपके साथ ऑलमोस्ट सारी ना होके कुछ काफ़ी मैसेजेस आपके आपको यहाँ से मिल सकते हैं। ठीक है, आइडियाज़ मिल सकते हैं अपनी सिचुएशन के लिए। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे एक ही वर्ड नज़र आ रहा है, वो आ रहा है सिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी। सॉरी, मुझे जो एक वर्ड जो चैनल हो रहा है, इनसिक्योरिटी इनसिक्योरिटी इनसिक्योरिटी। करंट एनर्जी आप लोगों की है इनसिक्योरिटी। मे बी ये हो सकता है आपकी एनर्जी है मेरे व्यूअर्स की। देखो, सॉरी, इनसिक्योरिटी क्या होती है? देखो, जब हमें कोई चीज़ जिसके बारे में हम, ज़रूरी नहीं कि वो हमें बहुत ज़्यादा प्रिय ही हो या वो बहुत ज़्यादा हमारी कोई फेवरेट चीज़ ही हो, कोई भी चीज़ है, चाहे वो बुरी है चाहे वो अच्छी है, अगर वो ज़्यादा हमारे दिमाग में वही चीज़ चल रही है, ठीक है, तो हम उससे रिलेटेड जो है इनसिक्योर भी फील करते हैं। ठीक है, तो वही वाली इनसिक्योरिटी आपके दिमाग में है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब कार्ड क्या आते हैं। प्लीज़ कार्ड हमें बताइए मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में क्या है करंटली, बताएं। ओके, देखो यहाँ कार्ड आया है डेविल का। मुझे ये इस कार्ड से सबसे पहले ये पता लग रहा है कि मे बी कहीं ये मुझे आपका जो ये रिलेशनशिप है वो प्यार से ज़्यादा मुझे एक ऑब्सेशन नज़र आ रहा है। ठीक है, जहाँ पे आप लोग नो कांटेक्ट में हैं या बिल्कुल लेस कांटेक्ट में हैं, मतलब कहने का मतलब कम्युनिकेशन तो हो ही नहीं रही, मतलब एक ऐसे रिश्ते में हैं जो आपको अब जो है अब आके एक टॉक्सिक लगने लगा है। ठीक है, आपको लगता है कि इस रिश्ते ने मुझे एक, मैं एक, मतलब आपको लगता है कि ये एडिक्शन हो गई है उस इंसान की, आपको एडिक्शन हो गई है। ठीक है, आपकी सिचुएशन है एडिक्शन और इनसिक्योरिटी, और उसी के चलते आपको बहुत ज़्यादा जो है इस रिश्ते को लेकर इनसिक्योरिटी फील हो रही है। ठीक है ना, कि मैं कैसे, अगर ये इंसान मेरी लाइफ में नहीं होएगा तो मैं कैसे जीऊँगा, मैं कैसे सफ़र करूँगा। यहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हैं स्पेशली, या वाइफ के लिए। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए। बहुत से लोग, मतलब ये नहीं कहने का मतलब, 30% लोग हैं जो अपने हस्बैंड वाइफ के लिए भी देख रहे हैं, जरूरी नहीं खाली लव वन के लिए देख रहे हैं। या फिर देखो, अगर लव वन के लिए भी देख रहे हैं ना, तो उनके मन में कहीं ना कहीं अपनी शादी को लेके इनसिक्योरिटी, ये भी एक मैसेज चैनल हुआ है कि उस उनको उनके मन में, मतलब वो चाहते हैं, जैसे एक होता है ना कि इंसान ना चाहते हुए किसी सिचुएशन में फंस जाता है, तो उनको ये लगता है कि ये जो प्यार है या ये जो अट्रैक्शन है या ये जो एक, जिसको हमने सोचा नहीं था, जिसको हमने चाहा नहीं था, जो ये रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं जो है उनकी शादीशुदा जिंदगी या फिर उनकी जो मतलब फैमिली लाइफ है, जो ठीक है, जो उनकी घरेलू जिंदगी है, उसके ऊपर एक इम्पैक्ट डाल रहा है, जिसके चलते भी आप लोगों को एक इनसिक्योरिटी फील हो रही है। ठीक है, कुछ केसेस में ऐसा है जैसे कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और वहाँ पे आपको इनसिक्योरिटी हो रही है अपनी फैमिली से, अपने बच्चों से, अपने घर से, अपने माँ बाप से। जो लोग अनमैरिड हैं उनको अपने फैमिली, अपने मदर फादर, हो सकता है वो अगेंस्ट है, वो नहीं चाहते हैं, तो आपको इनसिक्योरिटी हो रही है कि इस इंसान से आगे जाके कोई शादी या कुछ कमिटमेंट जो है, अगर मान लो पार्टनर दे भी देता है, मेरी फैमिली मानेगी, तो ये भी एक तरह की इनसिक्योरिटी है। देखिए, ये सारी चीज़ें आपके साथ अगर कुछ भी मैच करता है तो ये आपकी सिचुएशन है, तो ये आपकी रीडिंग है। ठीक है, अच्छा, कुछ लोगों को इनसिक्योरिटी मुझे ऐसे भी नज़र आ रही है कि कुछ लोगों को ऐसे लग रहा है कि जैसे मतलब
जो आपका पार्टनर है, ठीक है, आपके वाइस वर्सा भी हो सकता है, आपके पार्टनर को भी लग सकता है, आपको भी लग सकता है कि शायद आपने उसको ऐसा कुछ घोल के पिला दी है। देखो मैं अपनी सरल भाषा में बोलूँगी, आप अपने साथ मतलब ऐसा कोई स्पेल या कोई मैजिक आप ऐसा करते हैं, क्योंकि ना उसको काफ़ी एक इंटेंस जो पुल आपकी तरफ फील होता है आपके पार्टनर को, तो उसको लगता है कि आप उसके ऊपर कोई स्पेल कर रहे हैं, या फिर अगर ये नो कॉन्टैक्ट में है तो भी आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है या कर रही है, तो भी इसको लगता है कि आप इसको जो है कुछ स्पेल या कुछ ऐसा करके अपनी तरफ फिर खींच लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों तरफ से हो सकती है, आप भी ऐसा सोच सकते हैं, आपका पार्टनर भी ऐसा सोच सकता है, तो यहाँ पे भी इनसिक्योरिटी, समझ गए। चलिए भगवान जी और बताइए मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में करंटली क्या चल रहा है, कहना ही क्या। ओ कॉपीराइट आ जाएगा, गाना नहीं गाना। हाँ जी देखो ये गाना चैनल हुआ है तो आप सुन लीजिएगा, कहना ही क्या जो नया निकंजान से जो मिले, ठीक है ना, तो क्या पता आपकी सिचुएशन से मैच करता हो, उसमें कोई मैसेज हो आपके लिए। देखिए नेक्स्ट कार्ड हमें सन का कार्ड मिला है, जो हमें दिखाता है कि कभी आपको लगता है कि आप इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा, एक आपको और कुछ मिला हो चाहे नहीं मिला हो, लेकिन आपको एक सेटिस्फेक्शन मिली है, ठीक है, आपको एक पॉजिटिविटी अपने पार्टनर को याद करके, सुन के या उससे मिल के या उसका मैसेज पढ़ के या उसकी कॉल सुन के आपको एक एक वार्म सी फीलिंग आती है। ठीक है, आपको एक मतलब एक जैसे होता है ना कि एक अनकंडीशनल प्यार जो है अपने पार्टनर की तरफ आपको फील होता है कि मुझे जो है इस रिश्ते में ऑब्सेस्ड ना होके, मतलब आप अपने आप को जैसे संभालने की कोशिश करता है ना इंसान, वैसे आप अपने अपने, अभी मैं आपकी एनर्जी देख रही हूँ क्या है, ठीक है, फिर मैं देखूंगी आपके पार्टनर की एनर्जी, आप अपने आप को संभालने की कोशिश करते हैं कि ठीक है मुझे बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन भी नहीं दिखाना है, मुझे बहुत ज़्यादा जो है चेज भी नहीं करना है, क्योंकि आप बहुत बार टैरो रीडर से भी सुनते हैं कि चेज नहीं करना चेज नहीं करना, तो आप फोर्सफुली अपने आप को रोकते हैं, ये भी एक तरह की इनसिक्योरिटी है कि वो आप अपने आप को मतलब एक तरह से रोकते हैं कि नहीं मुझे ऑब्सेशन नहीं दिखाना है, मुझे उसको कॉल नहीं करना है, मुझे आपको मैसेज नहीं करना है, लेकिन ये जो भी रिश्ता है आपका, आपको एक 2400 घंटे इस इंसान के बारे में सोचने की एक आदत सी हो गई है। ठीक है, मतलब फोर्सफुली आप अपने आप को एक डिटैचमेंट लाने की कोशिश करते हैं, चाहे ये आपका मैरिज रिलेशनशिप है, चाहे यहाँ देखो ये मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और कुछ लोगों का, ज़्यादातर लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी नज़र आ रहा है, और कुछ लोगों जो यंग है मतलब जो यहाँ 25 27 इतनी उनकी 30 तक मतलब एज है, कुछ लोग मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं, तो उनको भी लग रहा है कि उनकी जो मैरिज है, हो सकता है घर वाले मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं जो अनमैरिड है कि आपको मैरिज कर लेनी चाहिए, या फिर मैरिज के लिए उनको रिश्ते दिखाए जा रहे हैं, ठीक है, मतलब घर की तरफ से, और वो पर्टिकुलर किसी एक इंसान के लिए ऑब्सेशन फील कर रहे हैं। ठीक है, और ये कोई ऐसा इंसान है जहाँ पे सिचुएशंस जो हैं काफ़ी ओपोजिट हैं। ठीक है, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, मतलब एक इंसान को लगता है कि आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपको प्यार करता है, आपको लगता है, ठीक है, लेकिन मतलब सिचुएशन ऐसी है, या तो कोई प्रोमिनेंट कोई थर्ड है आप लोगों के बीच में, थर्ड पार्टी है, ठीक है, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, ठीक है, थर्ड पार्टी मतलब एक आप इस कार्ड को देखिए, 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को, इस इंसान ने एक वॉन्ड्स को पकड़ रखा है और बाकी 2 और वॉन्ड्स भी हैं, मतलब आपको लगता है कि पार्टनर आपका आपको प्यार करता है, आपके साथ अच्छा फील करता है, चाहता है इस रिश्ते में एक एक्सपेंशन आए, एक प्रोग्रेस आए। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे इनसिक्योरिटी ये भी है कि आप लोग एक दूसरे से दूरी पे हैं। ठीक है, हो सकता है आप लोग किसी और सिटी में हो, आपका पार्टनर किसी और सिटी में हो, ठीक है, या फिर इन इस टाइम में, इस टाइम के दौरान जो है आप लोगों के बीच में मॉनिटरी दूरी भी आई है, और मतलब ज्योग्राफिकली दूरी भी आई है, और वैसे भी आपको लग रहा है कि अब इस रिश्ते में ना काफी वो पहले वाली जो एक जो सिचुएशंस थी, या फिर वो पहले वाला जो ऑब्सेशन था आपके पार्टनर की तरफ से, वो अब कहीं ना कहीं आप उस चीज को मिस करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वो भी आपका एक इनसिक्योरिटी का कारण है। ठीक है जी, अब हम देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग, ये हम दूसरे डेक से देखेंगे। प्लीज डिवाइन हमें बताइए मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं
मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जो हैं वो करंटली रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन बताएं हमें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस रिश्ते को लेके क्या सोच रहे हैं, क्या नेक्स्ट एक्शन है बताएं, कुछ तो बताएं हमें, कुछ तो बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, नाइट ऑफ कप्स। देखो इस इंसान ने, चाहे सिचुएशन कुछ भी है, इस इंसान ने एक मतलब एक एक्शन ओरिएंटेड ये इंसान मुझे प्रेजेंट एनर्जी में नज़र आ रहा है। देखो या तो आपको ये कॉल मैसेज करके कुछ ऐसा जो है, या तो डायरेक्ट ही आपको कह सकता है कि ये आपके प्यार में है, या फिर ये इंसान, प्लीज़ डिवाइन यहाँ मुझे नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि ये जो एक आपको ऐसा लग रहा है, ये नाइट ऑफ कप्स मुझे ये दिखा रहा है कि आपको आपको ये लग रहा है कि आपका पार्टनर किसी और से प्यार करता है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन मुझे यहाँ नाइट ऑफ कप्स क्यों आया बताएं। क्वीन ऑफ कॉइंस। ओके, देखिए आपको कुछ लोगों के केस में तो ये ऐसे है कि ये पार्टनर आपके लिए इमोशनल है, आपको एक प्रपोज करना चाहता है, आपको अपनी वाइफ बनाना चाहता है, आपको अपनी पत्नी बनाना चाहता है, जो लोग अनमैरिड हैं, ठीक है, अनमैरिड हैं या हाँ अनमैरिड है, ठीक है। और कुछ लोगों के केस में ये मुझे इस टाइप से नज़र आ रहा है, नाइट ऑफ कप्स। देखो मैसेज आया तो ज़रूर आपसे रेजोनेट होगा, ठीक है, किसी ना किसी के लिए, सॉरी, किसी ना किसी के किसी के साथ जो है रेजोनेट होगा। ये इंसान जो है आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ जो है आपको लग रहा है कि ये इंसान किसी और को अपना प्यार इजहार कर रहा है, या किसी और को इस समय के दौरान जो है किसी और को इम्पोर्टेंस दे रहा है, कोई थर्ड है जिसको ये अपने एक तरह से प्यार जो है दे रहा है, या किसी और से मिल रहा है, किसी और की तरफ जा रहा है, आपको इस तरह की इनसिक्योरिटी हो रही है। प्लीज़ डिवाइन बताएं, ये आपके पार्टनर का है, और कुछ लोगों के केस में ये इंसान आपको अपने प्यार का इजहार करना चाहता है, जो इसकी करंट फीलिंग है, आपको इजहार करना चाहता है, आपको इसको लगता है कि आपके पास सब कुछ है, आपको आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। क्वीन ऑफ कॉइंस, आप क्वीन हैं, ठीक है, आपको ये अपनी क्वीन की तरह देखता है, आप चाहे बहुत ज़्यादा सुंदर हैं चाहे नहीं हैं, लेकिन इस इंसान की नज़रों से अगर आपको देखा जाए तो आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मतलब ये इंसान जो है चाहे आपको कहता है चाहे आपको नहीं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ये इंसान आपको एडमायर करता है, आपको देख के, आपको सोच के ये इंसान खुश होता है। जैसे वो कहते हैं नहीं, वो बटरफ्लाई वाली फीलिंग, वो वाली जो है फीलिंग इस इंसान को, इसका मन करता है कि ये एकदम से कोई एक्शन ले और आपको अपने इमोशंस जो है जाहिर करें, जो हो सकता है ये एटेड पोर्टल के कारण हो रहा है, या फिर ये जो इंसान है इसको कुछ मतलब अब इसने जो है एक डिसाइड किया है कि इसने आपको जो है अप्रोच करना है। ठीक है, और बताएं भगवान जी मेरे व्यूवर्स की करंटली लव लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, देख लीजिए मैंने बोला था ना कि ये इंसान आपको, कुछ लोगों के लिए ऐसे मैच होगा कि ये इंसान आपसे शादी करना चाहता है। देखो सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, इस रिश्ते में विनर होना चाहता है, इस रिश्ते में ये इंसान विनर होना चाहता है, और कुछ लोगों के लिए ऐसे है कि ये मैरिड है, मैरिड होने के अलावा, वाइफ तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी ये किसी और से जो है किसी और को, हो सकता है आप अगर वाइफ हैं तो ये किसी और को वाइफ है, या हस्बैंड है तो ये किसी और की तरफ जो है अपने इमोशंस का कप देना चाहता है। देखो ये स्पेसिफिक होगा, सब जबरदस्ती अपने साथ, देखो मुझे मैसेज मिल रहा है इसलिए मैं बोल रही हूँ, तो आप अपने से मत रेजोनेट करें, क्योंकि यहाँ देखो मेन क्या है, तीन तरह के लोग मुझे नज़र आ रहे हैं, आपके पार्टनर की एनर्जी हम देख रहे हैं ना। एक तो यहाँ पे एक ऐसे कुछ लोग हैं जो डायरेक्ट आपको अप्रोच करना चाहते हैं और आपको कहना चाहते हैं कि विल यू मैरी मी, मतलब वो आपसे एक तरह से आपको मतलब डायरेक्ट आपको शो करना चाहते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, यही इनके मन में है और यही ये अपनी ज़बान पे रखना चाहते हैं। ठीक है जी, और कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं, लेकिन मैरिड होने के अलावा, कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं कि मैरिड होने के अलावा, ठीक है, ये इंसान मैरिड तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी ये इंसान किसी और को जो है
इन दिनों आपको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। और कुछ लोगों के केसेस में ऐसा है भी, ये इंसान हो सकता है या तो अपने किसी एक्स के हाथ से मैसेज मिल रहा है भगवान जी, या तो किसी एक्स को लेके ये जो है अब जो है ऑब्सेशन फील कर रहा है, मतलब एक टॉक्सिसिटी जो है फैलाई हुई है इस इंसान ने। आपको भी एक लटका के रखा हुआ है, और वाइफ तो है ही, वाइफ या हस्बैंड, और उसके अलावा भी ये कहीं और जो है आपको जगल कर रहा है, ठीक है जी। और बताएं भगवान जी, और कुछ लोगों के केसेस में ये इंसान मैरिड है ऑलरेडी, और आपके साथ भी ये जो है आपको भी बिल्कुल एक एज ए मैरिज की तरह ही वो देखता है। मतलब उसको लगता है कि चाहे 3D में हमारी मैरिज हुई है या नहीं है, लेकिन 5D में हम लोग मिल चुके हैं। देखिए नेक्स्ट कार्ड भी यहाँ हेरोफेंट का आ रहा है, तो बहुत प्रोमिनेंट होगा कुछ लोगों के लिए। मैं यहाँ कुछ लोगों की जो है अपने डिवाइन काउंटर पार्ट या जिसके साथ वो अफेयर में है, जिसके साथ वो प्यार में है, वहाँ पे उसकी मैरिज होती मैं देख रही हूँ, ठीक है। और ये मैरिज जो है मुझे 1 महीने के अंदर या अक्टूबर तक होती नजर आ रही है। प्लीज डिवाइन मुझे बताइए, और बताएं। या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसे भी मैसेज है कि ये इंसान जो है पहले जिससे शादीशुदा था, या फिर मतलब अपने एक्स की तरफ जो है ये अब दोबारा से एक रिकनसाइल हो गया है उससे, ठीक है, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया है। चलिए भगवान जी, और बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर जो है करंटली उनके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या उनका प्लान है, क्या सोच। 10 of Wands, देखिए 10 of Wands कार्ड क्यों आया है भाई, 10 of Wands क्यों आया है, 10 of Wands क्यों आया है, प्लीज 10 of Wands को क्लैरिफाई करें भगवान जी। ओके, 10 of Wands को क्लैरिफाई किया फिर से डेविल ने, ठीक है। तो ये क्या हो रही है, बर्डन वाली स्थिति है, ये बर्डन वाली स्थिति है। ये आपको लग रहा है कि आप जो है एक ऐसे इंसान से, ये डेविल, बिल्कुल डेविल, 10 of Wands, इसने आपको बर्डन दी है। कुछ लोगों के केसेस में ये ऐसा ही है कि ये इंसान जो है आपको छोड़ के कहीं और जो है इसने सर्व किया है, ठीक है। डेविल के कार्ड को 10 of Wands, देखिए जैसा कि मैं पहले बोली थी, पहला ही एनर्जी मुझे इनसिक्योरिटी इनसिक्योरिटी वर्ड मिल रहा था, तो यहाँ पे ये इनसिक्योरिटी है, यहाँ पे ये इनसिक्योरिटी है। जैसा कि मैंने बोला कि आपके पार्टनर को लगता है कि आपने इस पे कुछ किया है, या फिर आपको लगता है कि आपका पार्टनर आप पे कुछ कर रहा है, ताकि आप जो है उसको बर्डन हो रही है, इनसिक्योरिटी हो रही है, ताकि आप उसकी लाइफ में, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ एक इंसान को लग रहा है कि दूसरा इंसान किसी और की तरफ जो है एक रिकनसाइल हो रहा है, या फिर अपने पास्ट पर्सन से रिकनसाइल हो रहा है, या फिर किसी न्यू पर्सन से ये जो है उसकी तरफ जो है अट्रैक्ट हो रहा है उनको छोड़ के, ठीक है। तो यहाँ पे वही ये टॉक्सिसिटी जो है वही डेविल की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। देखो ना, अब यहाँ पे क्या है, ये इंसान, ये जो लेडी है इस डेविल के कार्ड में, इसको लग रहा है कि कोई कोई है अनदेखी अनजानी ऐसी शक्ति है जो कहीं ना कहीं आपको मजबूर कर रही है कि आप जो है किसी के लिए भाव रखें, इमोशंस रखें, सोचें उसके बारे में, ठीक है, उसको छोड़ के ना जाएं, ठीक है। टेन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आके मुझे फिर से एक इनसिक्योरिटी की वाइब्स दे रहा है कि इस इंसान को भी इनसिक्योरिटी हो रही है, आपके पार्टनर को, कि आप उसको छोड़ के कहीं और जो है इन्वेस्ट हो रही हैं, हो रहे हैं, ठीक है। और बताइए भगवान जी, मेरे व्यूअर्स की करंटली लव लाइफ में क्या चल रहा है। फाइव ऑफ कप्स, ओके, देखिए उदास हो रहा है ये इंसान, फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी में है, काफी जो है उदासी छा रही है। इसको लग रहा है कि इसने जो है अपनी गलतियों के कारण, या फिर वक्त पे आपको जो है एक प्रपोजल ना देके, या फिर वक्त पे आपकी अहमियत को ना समझ के इसने शायद आपको खो दिया है। अब जो है इस रिश्ते में रिकनसाइल होना बड़ा मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि इसको लग रहा है
कि आप जो है कहीं और जो है, या तो आपकी कहीं और फैमिली की तरफ से शादी हो रही है, या कोई ना कोई जो है किसी ने आपको प्रपोज किया है और आप उसकी तरफ जो है निकल चल पड़े हैं। ठीक है, और बताएं भगवान जी मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या चलता है, उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उनको बताएं। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स और टेन ऑफ कप्स। देखिए किस कुछ लोगों के मैंने जैसे बताया कि ये इंसान आपको लेके काफ़ी पैशनेट हो रहा है, काफ़ी ये ऑब्सेस्ड हो रहा है आपको लेके, आपके साथ फैमिली चाहता है, टेन ऑफ कप्स, आपके साथ एक कंप्लीशन चाहता है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके मन में इनसिक्योरिटी भी है कि कहीं आपको इसने खो तो नहीं दिया। तभी यहाँ फाइव ऑफ कप्स और डेविल का कार्ड है, मतलब इन दिनों इसको लग रहा है कि अब जो वो टाइम आया कि ये आपके लिए कोई डिसीजन ले सकता है, या आपकी तरफ इसको बहुत ज़्यादा, शायद ये पहले आपके लिए इतना नहीं सोचता था और आप ऑब्सेसिवली आपके लिए सोच रहा है, तो अब आप इसको लग रहा है कि आप कहीं और इन्वॉल्व हो रहे हैं। इस टाइप की सिचुएशन जो है निकल के आई है कार्ड्स में। फिर से मैं एक बार आपकी एनर्जी को क्लैरिफाई करूँगी, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या चल रहा है, मेरे व्यूअर्स जो है इस रिश्ते के लिए जिसके लिए वो रीडिंग देख रहे हैं उनकी सिचुएशन में क्या चल रहा है। ओके, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, देखिए बिल्कुल अंदाज़ा जो है सही है, क्योंकि आप अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को लेके कंटेम्पलेट कर रहे हैं, क्योंकि या तो देखो आपको हमेशा से ही आप एक ऐसे रिश्ते में थे जहाँ से ऑलरेडी जो है थर्ड पार्टी थी। ठीक है, कुछ तो ये भी आपको उस चीज उसके कारण भी आपको लग रहा है कि पहले ही इतना टाइम हो गया डिले, तो हो सकता है आपने कुछ और सोचना, क्योंकि ये जो फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है मुझे बहुत सोचने को दिखा रहा है आपकी तरफ से कि आप अब बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अब आपको लगता है कि आपको इस रिश्ते में नहीं रहना, आपका दिल दिमाग ये कह रहा है। ठीक है, अब आपको इस रिश्ते से जो है निकलना है, अपने आप को संभालना है। उधर अगर हम आपके पार्टनर की देखें तो वो कई केसेस में तो ऐसा है कि वो इंसान आपके लिए ऑब्सेसिवली सोचने लगा है, अब आप उसने कोई डिसीजन लिया है और अब आप उसको कहीं और जो है जाते हुए नज़र आ रहे हैं। उसको लग रहा है कि कहीं आपको या तो फैमिली की तरफ से कुछ ऐसी, देखिए फिर से एस ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आप या आपको या तो कोई अपॉर्चुनिटी कोई और आपकी लाइफ में आई है। ठीक है, चलिए अब हम एक बार रोमांस एंजल से देखते हैं लास्ट में और फिर अपनी रीडिंग को लगाते हैं पूर्ण विराम। चलिए प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनको लेके क्या सोच रहे हैं, हमें भगवान मेरे ईश्वर मेरे अल्लाह मेरे जीसस प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, सही सही बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं देख लीजिए, ये आप सोच रहे हैं या आपका पार्टनर सोच रहा है, सुन लें। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, तो कहीं ना कहीं ये इंसान जो है, देखो इस इंसान को ये भी है कि ऑब्सेसिवली आपके लिए सोच रहा है। ठीक है, और साथ में ही इनसिक्योरिटी भी है, क्योंकि इसको लगता है कि इसने बहुत ज़्यादा देर कर दी है, या चीज़ों को एक अंजाम तक लाते लाते बहुत अब टाइम निकल चुका है, इसको लग रहा है इनसिक्योरिटी हो रही कि आप थर्ड पार्टी में चले गए हैं। तो ये इंसान जो है लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, तो इसको लग रहा है कि चीज़ों को भगवान पे ही छोड़ना चाहिए, कंट्रोल इशू मतलब सिचुएशन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, अब जो भी है अब भगवान ही कुछ ना कुछ मिरेकल करेगा, अगर ये इंसान मेरी लाइफ में है तो मुझे मिलेगा, अगर नहीं है तो नहीं मिलेगा। ठीक है ना, अब देखो यहाँ सिचुएशंस कैसी है इस कार्ड में, आप ध्यान, अलो दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली, अब आपका पार्टनर जो है आखिर जो है ये सोच रहा है कि इस सिचुएशन को नेचुरली अनफोल्ड होने दें। ठीक है जी, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, आप पिक्चर को ध्यान से देखिए, एक इंसान जो है सोच रहा है और इधर साथ में उसकी जो और मतलब पार्टनर के साथ जो कंडीशंस हैं, हो सकता है पार्टनर का बेबी हो या फिर वो ऑलरेडी मैरिड हो, ऑलरेडी उसकी लाइफ हो, जिस वजह से ये पार्टनर जो है कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा। ठीक है, इनडिसाइसिव है, ठीक है, काफ़ी टाइम तक इनडिसाइसिव रहा है और अब जो है अब इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि ये अब चीज़ों को कंट्रोल करना चाहता है और कंट्रोल हो नहीं पाएंगी, अब इस इंसान को लगता है कि आप कहीं और इन्वेस्ट हो गए, तो ये इंसान अपने आप को एक तरह से
मतलब एक तरह से भगवान की जजमेंट का वेट कर रहा है, और भगवान को ये कह रहा है कि लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, कि इसको जो है अब इस रिश्ते में कंट्रोल इश्यूज को लेट गो करना चाहिए और चीज़ों को अलाउ करना चाहिए कि वो नेचुरली ही अनफोल्ड हो जाए। ठीक है, जो भी सिचुएशन है आप लोगों की, आपके पार्टनर की ये फीलिंग है। ठीक है जी, एक कार्ड मैं और लूँगी, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जो हैं इस रिश्ते के लिए, इतने सारे नहीं चाहिए, एक दो, एक इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहा है, क्या फीलिंग है उसके मन में। ओके, दिस कुड बी द वन। ओके, देखो मैंने कहा था ना, यहाँ पे एक इंसान तो ऐसा है, कुछ लोगों के साथ ये ऐसे रेजोनेट होगा कि आपका पार्टनर जो है, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सी। ठीक है, तो इसको लगता है कि जो ये चाहता था, जो जैसा पार्टनर ये चाहता था, मतलब आपको एक वाइफ मटेरियल की तरह, आप एक हस्बैंड मटेरियल की तरह ये इंसान देख रहा है, और आपको इस रिश्ते को फिक्स करना चाहता है, आपको कोई रिंग या जैसे रिंग सेरामनी या इस टाइप से आपके साथ करना चाहता है, और आपके साथ फैमिली देखता है। देखो यहाँ पे किड्स भी नज़र आ रहे हैं, मतलब और किड्स हवा में नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब है कि इसका फ्यूचर प्लान है कि ये आपको अपना बना के और आगे जो है आगे फैमिली देखता है आपके साथ। यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सी। तो मे बी ये ऐसा इंसान है जिसका जो शायद पास्ट में आपको जिसने छोड़ दिया था, ठीक है, या फिर आपको लग रहा था कि ये रिश्ता ख़त्म हो गया, तो वो रिश्ता भी जो है दोबारा से ये इंसान जो है आपकी तरफ एक बोल्ड स्टेप लेना चाहता है। वो तो हमारे पास पहले भी सिक्स ऑफ वॉन्ड्स वगैरह सबने हमें बता दिया कि ये इंसान जो है इस रिश्ते को फिक्स करना चाहता है, मैरिज करना चाहता है आपसे, क्योंकि यहाँ 10 ऑफ कप्स, हेरोफेंट, 6 ऑफ वॉन्ड्स, तीन तीन कार्ड शादी के आए हैं। तो ये इस इंसान ने, और हो सकता है जैसे ये 8-8 पोर्टल गया है, तो एक रिकन्सिलेशन तो आपके लिए आ ही रहा है, चीज़ें जो हैं नए तरीके से। और जहाँ पे इंसान कुछ डिसाइड कर लेता है और प्यार होता है, ऑब्सेशन होता है, वहाँ इनसिक्योरिटी नेचुरल है। तो वही जो इनसिक्योरिटी यहाँ मुझे नज़र आ रही है आपकी सिचुएशन में। ओके व्यूअर्स, टेक केयर, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखें। यही थी आप लोगों की करंट एनर्जी ऑफ योर लव लाइफ। ओके, टेक केयर, बाय।